हेलो जी, कैसे स्वागत है, दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू चैनल कोडल। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 91 पर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि टॉपोलॉजिकल सॉर्ट किस प्रकार की जाती है यूजिंग डीएफएस। यहां पर हम एक नए प्रकार की एल्गोरिदम जिसको कान एल्गोरिदम कहते हैं, मैं खान कहता हूं पता नहीं क्यों, पर कान ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है के ए एच एन एस एल्गोरिदम, कान एल्गोरिदम कह सकते हैं, खान एल्गोरिदम मैं बोलता हूं पता नहीं क्यों, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम यहाँ पे BFS का यूज करके टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने वाले हैं। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता क्या है, व्हाट इज टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये ऑलरेडी हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पर क्यों लगाया जा सकता है, वो भी हम रीजन सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक छोटा सा प्यारा सा रीकैप चाहते हैं तो देख लेते हैं हमने क्या बोला। हमने कहा कि लेट से आपका ये ग्राफ है, यहाँ ये पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक लीनियर ऑर्डरिंग है। जैसे इस केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि 0 1 3 2 0 1 3 2 एक लीनियर ऑर्डरिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हर एज के लिए, जैसे कि ये सारी की सारी एजेस है, एक एज, दूसरी एज, तीसरी एज, चौथी एज, तो मैंने बोला 0 से 1 एक एज है, 1 से 2 एक एज है, 2 से कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा कि 3 से 2 एक एज है और 0 से 3 एक एज, ये 4 एज है। तो हमने बोला For every edge U to V, U should always appear before V in that ordering. जैसे यहाँ पे अगर ये U मान लिया जाए, ये V मान लिया जाए, तो इस linear ordering के अंदर 0 हमेशा 1 से पहले आना चाहिए जो कि आ रहा है, 0 1 से पहले आ रहा है, 1 हमेशा 2 से पहले आना चाहिए जो कि आ रहा है, 1 2 से पहले आ रहा है, 3 हमेशा 2 से पहले आना चाहिए जो कि आ रहा है, 3 हमेशा 2 से पहले आ रहा है, 0 हमेशा 3 से पहले आना चाहिए, 0 हमेशा 3 से पहले इस ऑर्डरिंग में आ रहा है। तो ये ऑर्डरिंग एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। बट यहीं पर अगर मैं इसको लिख दूं 0 1 2 3, 0 और 1 में देखें तो 0 1 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 1 2 में देखें तो 1 2 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 3 2 में देखें तो 3 2 से पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 3 से पहले आ गया, तो ये एक इनवैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाता है। ये सिर्फ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पर क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ का एक एग्जांपल दिया था, लेट्स से यहाँ पे साइकिल है ग्राफ के अंदर, इस प्रकार इसकी जो एजेस हैं इस प्रकार होंगी, ये 3 एजेस होंगी। अगर मैं बोल दूं कि 1 2 3 मेरी एक लीनियर ऑर्डरिंग है, तो क्या 1 2 से पहले आ रहा है, हाँ जी 1 2 से पहले आ रहा है, क्या 2 3 से पहले आ रहा है, हाँ जी 2 3 से पहले आ रहा है, क्या 3 1 से पहले आ रहा है, नहीं जी 1 3 से पहले आ रहा है। ध्यान से देखो, 1 2 से पहले आ रहा है इस प्रकार, 2 3 से पहले आ रहा है इस प्रकार, फिर 3 1 से पहले आ रहा है इस प्रकार, साइकिल बन गई। तो दैट्स वाई डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के अंदर आप एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं बना सकते, समझे। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम BFS एल्गोरिदम को यूज करके, या फिर हम कह सकते हैं हम कांस एल्गोरिदम का यूज करके टॉपोलॉजिकल सॉर्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। किस प्रकार का लॉजिक होगा, क्या अप्रोच है, उसको डिस्कस करने से पहले फटाफट अपने स्पॉन्सर्स को शार्ट आउट देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OSDBMS वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं। आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं, और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो हमने कहा कि हमारे पास ग्राफ क्या क्या है, हमने बोला कि मेरे पास क्या ग्राफ है, मेरे पास प्रकार ग्राफ है यार, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5 नोड, ठीक है। कौन किसको पॉइंट कर रहा है, मैंने बोला ये इसको पॉइंट कर रही है, 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 और ये इसको पॉइंट कर रही है, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये पता है। BFS ना सबको याद, हम क्यू का यूज किया करते थे, है ना, क्यू का यूज किया करते थे। तो मैं फटाफट डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो मैं यूज करूंगा, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मैंने बोला ठीक है, फटाफट चेक करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं इन डिग्री का आपके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। मैंने कहा ये 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये सारी मेरी नोट्स हैं कि यार ये फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, और ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है इन डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। तो मैंने बोला 1 की डिग्री 0 है, और 2 की 1 है, 3 की 1 है, 5 की जो है वो 2 है, और 4 की जो है 1 है, ठीक है। तो मेरा जो पहला स्टेप था वो क्या था,
कि फाइंड इन डिग्री ऑफ ऑल नोड्स, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, मैंने बोला कि यार क्यू बनाओ एक, और उस क्यू में जितने भी जीरो इन डिग्री वाले एलिमेंट हैं, जितने भी जीरो इन डिग्री वाले नोड्स हैं, उनको इंसर्ट कर दो, ऐसा कुछ कुछ कहा मैंने। मुझे पता BFS है तो क्यू तो बननी है, BFS है तो क्यू तो बनेगी बनेगी, तो मुझे पता ही है। तो मैंने क्या कहा, क्यू बना दो फटाफट। तो हमने यहाँ पर अपनी क्यू बना दी। तो मैंने कहा कि क्यू बना दो, ये आपकी क्यू आ गई, ठीक है, और ये मेरा आंसर है। यहाँ पर मैं अपना आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेप पे चलते हैं, क्यू बन गई, क्यू के अंदर जीरो इन डिग्री वाले सारे पुट करें थे, वो कर लेता हूँ पहले। तो मैंने कहा जीरो इन डिग्री वाले कौन से हैं, यहाँ पे गया, 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 मुझे दिखा सिर्फ फर्स्ट वाली जो नोड है वही जीरो इन डिग्री वाली है, तो मैंने उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बात हो चुकी है। अब मैं गया थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है डू BFS, जो सेम लॉजिक आप BFS में लगाए करते थे वही सेम यहाँ पर रेप्लीकेट कर दो। थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, अभी दिख जाएंगे वो चेंजेस क्या है। तो हम नल, ठीक है, तो उसमें क्या करता था मैं फ्रंट एलिमेंट निकालता था। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट निकाला, फ्रंट क्या आ गया, फ्रंट आ गया वन, ठीक है। तो मैंने फ्रंट में वन को डाल दिया, मैंने वन को क्यू से हटा दिया, पॉप कर दिया, क्योंकि मैं फ्रंट में सेव कर चुका हूँ, मैंने यहाँ से पॉप कर दिया, आंसर के अंदर वन आ गया, ठीक है। तो मैंने इन शॉर्ट पहला स्टेप फ्रंट बनाया, सेकंड स्टेप पॉप कर दिया, ठीक है, थर्ड स्टेप आंसर के अंदर आ गया, ये बात समझ में आ गई। फोर्थ स्टेप कि मैंने बोला उसके नेबर्स निकालो, तो वन के नेबर अगर मैं देखूंगा एडजेसेंसी लिस्ट अगर आपके यहाँ बना के दिखा दूं, तो वन के लिए आ गया 2, 3, 2 के लिए आ गया 5, 3 के लिए आ गया 5, 5 के लिए आ गया 4, और 4 के लिए आ गया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने वन के नेबर निकाले, तो मैंने वन के जब नेबर निकाले तो वो नेबर क्या है, 2 और 3, तो मैं लिख दिया 2 और 3। अब ध्यान से देखो, जब मैं वन को यहाँ से हटाता हूँ तो ग्राफ के अंदर क्या हुआ है, ग्राफ के अंदर का मैं थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करूँ तो ऐसा कुछ हुआ होगा, यार मैंने वन के ना ये वन को हटा दिया तो वन का ये वाला एरो हट गया होगा, जब ये एरो हटा तो थ्री की इन डिग्री एक से कम हो गई, तो थ्री की जो इन डिग्री थी वन की जगह जीरो हो गई, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार जब ये वाला एरो हटा तो टू की इन डिग्री भी एक से कम हो गई, तो टू के लिए भी ये जीरो हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार टू की इन डिग्री भी जीरो हो गई और थ्री की इन डिग्री भी जीरो हो गई। जिस जिसके इन डिग्री जीरो होती जा रही है उसको मुझे क्यू में डालते जाना है, उसको मुझे क्यू में डालते जाना। तो मैंने पहले इसमें 2 डाल दिया क्योंकि उसकी डिग्री जीरो की थी, और फिर मैंने इसमें 3 डाल दिया। चलो एक स्टेप हो गया। फिर दोबारा आते हैं वापस, पहले फ्रंट निकालना होता है तो मैंने फ्रंट निकाल लिया, फ्रंट की वैल्यू क्या है, 2 है जी, फ्रंट 2 आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, पॉप करना, मैंने 2 को हटा दिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, आंसर में डालना, मैंने 2 को डाल दिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, नेबर्स निकालना, तो मैंने नेबर निकाल लिया। नेबर क्या है जी, 2 के, 2 का नेबर है 5, मैंने 5 लिख दिया। तो जब मैंने 2 को यहाँ इस ग्राफ से हटाया होगा तो 5 का एक एरो कम हो गया, तो 5 की इन डिग्री 2 की जगह 1 हो गई। बहुत बढ़िया, 2 की जगह 1 हो गई। क्या 1 0 के इक्वल होता है, नहीं। क्या मैं इसको पुश करूँ क्यू में, नहीं। बहुत बढ़िया, इसके बाद मैंने क्या किया, फिर दोबारा सेम स्टेप रिपीट किए, मैंने फ्रंट को लिया दोबारा। अब फ्रंट मेरा क्या आ गया, फ्रंट मेरा 3 आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आंसर में इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नेबर निकाल के लाता हूँ, मैं 3 के नेबर निकाल के लाता हूँ। 3 का नेबर क्या आया, 3 का नेबर 5 आया, 3 का नेबर 5 आ गया। मैंने 3 को जब हटाया ग्राफ से तो ये हट गया होगा, एक एरो और कम हो गया, तो 5 की इन डिग्री फिर से कम हो गई और ये 0 बन गई। तो 5 की इन डिग्री 0 हो गई। जब भी इन डिग्री 0 होती मुझे करना होता है, मुझे इसको क्यू में पुश करना होता है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद मैंने फ्रंट फिर दोबारा निकाला, इसके बाद मैंने फ्रंट फिर दोबारा निकाला कि यार फ्रंट इज इक्वल्स टू क्या आया, 5 आया, 5 आ गया। मैंने 5 को यहाँ से हटा दिया, मैंने 5 को आंसर में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके मैंने 5 के नेबर निकाले, मैंने इसके नेबर निकाले। नेबर कौन है 5 के, 5 का नेबर आ रहा 4, मैंने निकाला 4। अगर मैं 5 को इस ग्राफ से हटा दूं तो मेरा 4 की इन डिग्री कम हो जाएगी, 4 की इन डिग्री 1 से कम हो जाएगी, तो अभी 1 है, 0 हो गई, तो 4 की इन डिग्री 0 हो गई। 0 हो गई तो क्या करूं, इसके अंदर पुश कर देता हूं। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने फिर दोबारा क्या किया, फिर इसे फ्रंट निकाला, फ्रंट की वैल्यू क्या है, 4 है। मैंने क्या किया, 4 को यहाँ से हटाया, 4 को आंसर में इंक्लूड किया, 4 के नेबर निकाले। जब 4 के नेबर निकालने गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग डन, रुक गए, यहाँ पे ही था, आपका प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई। आपका जो आंसर आया वो आया 1, 2, 3, 5, 4। दोबारा एक आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ क्या था, आपका ग्राफ इस प्रकार था कि ये एक नोड है, ये इसको पॉइंट करती 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 है, और ये इसको पॉइंट करती है। अगर वैल्यूज डालूं तो ये थी आपकी 1, ये थी आपकी 2, ये थी आपकी 3, ये था आपका 5, ये था आपका 4।
अगर मैं लिखता हूँ एजेस बना दूं एक बार यहाँ पे, 1 से 3 एक एज है, 1 से 2 एक एज है, 2 से 5 एक एज है, 3 से 5 एक एज है और 5 से 4 एक एज है। जो हमारी ऑर्डरिंग आई है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट वाली वो क्या आई है, वो आई है 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4। तो इस एज को देखें तो 1 3 से पहले आना चाहिए, ठीक है, 1 जो है आपका 3 से पहले आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इस एज को देखें तो 1 2 से पहले आना चाहिए, तो 1 2 से पहले भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इस एज को देखें तो 2 5 से पहले आना चाहिए, तो 2 5 से पहले आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इस एज को देखें तो 3 5 से पहले आना चाहिए, तो 3 5 से पहले आ रहा है, ये भी ठीक है। इस एज को देखें तो 5 4 से पहले आना चाहिए, तो 5 4 से पहले आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट बन जाता है। बात समझ में आई? इसको ही कहते हैं कैंसिल कर दो यार, कुछ भी नहीं करना होता है, डिग्री निकालो, 0 डिग्री वाले क्यों के अंदर डालो और जिस नोड को हटाते जा रहे हो उसके हिसाब से डिग्री माइनस करते जाओ, फिर दोबारा किसी की नोड की इन डिग्री 0 आ रही है तो फिर दोबारा उसको क्यू में डालो, फिर सेम प्रोसेसिंग कर दो। एक बार कोड की तरफ चलते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। सबसे पहले काम मैंने बोला कि यार मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करूंगा। तो मैंने अपना फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन ई से आई प्लस प्लस, मैंने बोला कि इंट यू इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई 0, उसी प्रकार इंट वी इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई 1। मैंने क्या किया, एडीजे ऑफ यू के अंदर पुश बैक कर दिया वी को, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला फाइंड ऑल इन डिग्रीज, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले इन डिग्री का मैं वो अपना वेक्टर बना लेता हूं। मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट इन डिग्री किस साइज का, वी साइज का, ठीक है। मैंने बोला फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू एडीजे, फॉर ऑटो j belongs to i dot second, इस केस में क्या करना है, इस केस में मुझे इन डिग्री को बढ़ाना है। तो इस प्रकार मैंने हर किसी की इन डिग्री फाइंड आउट कर ली, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, मैंने बोला 0 इन डिग्री वाले, 0 इन डिग्री वालों को पुश कर दो। तो मैंने q बनाई सबसे पहले, q ऑफ int q, और मैंने क्या बोला कि ट्रैवर्स करता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन वी आई प्लस प्लस, अगर मुझे किसी की इन डिग्री जो है वो इज इक्वल टू 0 दिख रही है तो मैं क्या करूँगा, उसको क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था डू बी एफ एस, और तो कुछ था नहीं, तो मैंने बोला एक आंसर बना लो फटाफट, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, और मैं क्या करूंगा कि जब तक मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती जैसे बीएफएस में करते थे, तब तक मैं क्या करूंगा, फ्रंट निकाल लो, फ्रंट आ गया आपका क्यू डॉट फ्रंट, क्यू को पॉप कर दो फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाने के लिए। फिर मैंने बोला आंसर को स्टोर करा लो, आंसर स्टोर कैसे कराओगे, ए एन एस डॉट पुश बैक फ्रंट वाला एलिमेंट। फिर मैंने बोला एक बार नेबर चेक कर लो, मैंने बोला नेबर इन डिग्री अपडेट कर दिया आपने, किस प्रकार, आपने लिखा फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू एडीजे ऑफ आपका फ्रंट, आपके नेबर आ जाएंगे, आई की जगह नेबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नेबर मिल गए। मैंने बोला कि यार इन डिग्री ऑफ नेबर को माइनस माइनस कर दिया, और अगर आपकी इन डिग्री अब 0 के इक्वल हो चुकी है तो ऐसा करो उसको क्यू के अंदर दोबारा पुश कर दो। बात समझ में आई? उसके बाद आंसर रिटर्न कर देना। मैंने बोला रन करके देख लो, कि छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इंसान से यार, कुछ इंक्लूड करना पड़ जाता है, तो कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है ई जी ई एस, मैंने बोला ऊपर कुछ इंक्लूड भी करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप लिस्ट क्यू, रन कर दो फटाफट। ए डी जे की स्पेलिंग अच्छा बनाना पड़ेगा, बनाई नहीं हमने, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट ए डी जे। अब चलाओ, उसने बोला क्या बोला उसने, लाइन नंबर 24 पे जाओ
कहाँ पे है? एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंट, कहाँ पर गड़बड़ करी है हमने, कहाँ पर करी है? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट, ठीक है, कहाँ गलती करी यार हमने? फॉर इंट आई जीरो, इंट आई जीरो से कह रहा है कुछ, वो यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं? फिर तो लिखा है स्पेलिंग गलत है, हमने रन किया, करेक्ट आंसर आया, हमने सबमिट किया फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखो पुराने वाला जो डीएफएस हमने पिछली बार सॉल्व किया था लास्ट वीडियो के अंदर, अब हमने बीएफएस से कर लिया कांस एल्गोरिथम यूज करके, और हमारा आंसर करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टेप आप चेक कर सकते हैं, हम सबसे पहले एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके हमने इन डिग्री फाइंड आउट कर ली, जितने इन डिग्री वाले थे जीरो वाले थे उसको हमने पुश कर दिया, और फिर बीएफएस वाला लॉजिक लगा दिया, बहुत सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ध्यान से देखें तो फिर दोबारा इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस ई आ गई, ठीक है, बीएफएस कर रहे थे आप। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर दोबारा अगर देखें, क्यू का यूज कर रहे हो, इन डिग्री के लिए वेक्टर बनाया है उसका यूज कर रहे हो, एडजेंसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा मैंने कहा कि ओ ऑफ एन प्लस ई रहेगी, लीनियर ही रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार आपने टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस तो लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, अब यूजिंग बीएफएस इस लेक्चर के अंदर सीख लिया। अब इसी सेम कोड का यूज करके हम एक और चीज सीखेंगे जिसको हम कहेंगे साइक्लिक रिडक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस एल्गोरिथम, अगले लेक्चर के अंदर, बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे आपको वीडियो किस प्रकार लगी, धन्यवाद।